So, आज के हम इस वीडियो में है ना एस्ट्रा फ्री वर्सेस एस्ट्रा प्रो फीचर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको है ना एस्ट्रा प्रो प्लगइन आपको फ्री में देने वाले हैं और एस्ट्रा प्रो के जो क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो हम आपको एक्सप्लोर करके बताने वाले हैं और आपको कैसे इसकी जो फाइल मिल सकती है फ्री में आपको वो हम आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाले और वर्डप्रेस में इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट भी करके बताने वाले। सो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में, आपको लैपटॉप की स्क्रीन में आपको ना लाइव करके आपको बताने वाले। सो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में। सो यहाँ पर देखो लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए। अभी तो अभी हमें करना क्या, अभी हमें चलना है थीम के अंदर। जैसे हम थीम के अंदर गए तो अभी आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड थीम का, आपको कर देना ऐड थीम पर क्लिक। फिर आपको है ना यहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर एस्ट्रा, फिर कर देना एंटर। जैसे मैंने एस्ट्रा को यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर देखो ऊपर एस्ट्रा थीम आ गई। अब इसको कर देना इंस्टॉल और इसको कर देना है फिर एक्टिवेट। तो यहाँ पर देखो मैंने एस्ट्रा थीम का इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया। सो अभी हम जाते हैं एस्ट्रा के अंदर, यहाँ पर देखो एस्ट्रा के डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं अभी हम। सो अभी देखो हमने ना सिर्फ एस्ट्रा के फ्री वाले फीचर्स आपको भी बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको ना प्रो वाले फीचर्स बताएंगे। सो अभी देखो फ्री में हमें देखो क्या क्या अभी आपको मिलने को दिख रहा है। सो आपको देखो ये अभी फ्री फीचर्स आपको मिले, ये देखो आपको ये फ्री वाले फीचर्स आपको ये सारे आपको दिख रहे हैं और देखो प्रो में आपको देखो ये सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं ना। ये सारे फीचर्स आपको ना अनब्लॉक करके भी आपको बताने वाले कैसे आप ना ये फीचर्स को कैसे अनब्लॉक कर सकते हो। तो नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखो इसके एक्सटेंड आ गए, यहाँ पर मतलब प्लगइन्स आ गए। तो अभी हम इस पे चले जाते हैं फ्री वर्सेस प्रो के अंदर, आपको सारे फीचर्स दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो एक्सेस टू प्रो अपडेट है ना, फ्री में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। सो आपको देखो यहाँ पर सारे फीचर आपको दिख रहे हैं फ्री वर्सेस प्रो में। डिजाइनिंग में देखो ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, इसमें फुल फीचर्स मिलेंगे। और तो लगभग देखिए तो हमें यहाँ पर तो फ्री में बहुत ही कम यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर तो प्रो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी ना। सो आपको ये सारे फीचर्स आपको आपको प्रो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको सारे फीचर्स आपको बता देंगे है ना। सो अभी हम चलते हैं स्टार्टर टेबलेट के अंदर। स्टार्टर टेबलेट में देखो अभी है ना, तो स्टार्टर टेबलेट में अभी देखो मैंने प्लगइन्स को इंस्टॉल किया नहीं है, इसके बाद है ना प्लगइन्स को इंस्टॉल करके भी आपको दिखाने वाले हैं ना। सो अभी हम सेटिंग के अंदर भी चलते हैं। सेटिंग के अंदर देखो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूट एस्ट्रा आ रहा है, यहाँ पर एस्ट्रो आ रहा है, फिर हम वेलकम में चलाते हैं। फिर से जैसे हम वेलकम में गए तो यहाँ पर देखो आ रहा है डू मोर विद एस्ट्रा प्रो मॉड्यूल्स है ना। सो इस पर हम करते हैं अपग्रेड नाउ पर क्लिक। जैसे मैं अपग्रेड नाउ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो एस्ट्रा की यहाँ पर वेबसाइट के अंदर आ गए। सो अभी देखो यहाँ पर एस्ट्रा प्रो यहाँ पर देखो कितने का मिल रहा है, यहाँ पर अभी देखो $49 का मिल रहा है, वो भी एक साल के लिए। टूल किट वाले यहाँ पर देखो पैन मिल रहा है यहाँ पर $479 का, वो भी एक साल के लिए। और यहाँ पर देखो $149 एक साल के लिए, वही बिजनेस टूल किट वाला प्लान है ना। सो आपको ये सारे प्रो वाले फीचर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा गया एस्ट्रा प्रो इंक्लूड एवरीथिंग एस्ट्रा प्रो, सो एवरीथिंग इज एसेंशियल टूल किट, यहाँ पर सारे आपको फीचर्स दिख जाएंगे। तो आप इसको एक्सप्लोर करके एक बार आप देख लेना है। सो अभी देखो ये सारे प्लान जो है एक साल के लिए, अभी हम इसको लाइफ टाइम के लिए इसको सेलेक्ट करते तो यहाँ पर देखो कितने का मिलता है। यहाँ पर देखो लाइफ टाइम के लिए देखो कितने का मिलता है, वो भी $199 का मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम के लिए, वो भी एस्ट्रा प्रो। हम आपको ना ये सारे जो प्लगइन आपको फ्री में देने वाले हैं, वो कैसे मिलेगा इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा। हाँ, सो यहाँ पर एसेंशियल टूल किट मिल रहा है $399 का, यहाँ पर बिजनेस टूल किट मिल रहा है $599 का है ना। सो अभी हम चलते हैं फिर से वर्डप्रेस के अंदर। हमने देखो आपको सारे ना प्रो वाले फीचर्स आपको दिखा दिए। अब आप बात करते हैं आपको प्रो प्लगइन आपको कहाँ पर मिल सकता है फ्री में, आपको करना क्या, वो आपको इस वाली वेबसाइट में चले आना। ये देखो ये वाली है ना, इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको कर देना है गेट दिस पर क्लिक। तो जैसे मैंने गेट दिस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो नेम ईमेल फोन नंबर मांग रहा है और यहाँ पर देखो एक डिस्काउंट कोड का भी एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। फिर आपको देखो यहाँ पर नीचे 509 का अमाउंट आ रहा है, आपको यहाँ पर 509 का अमाउंट पे नहीं करना है। आपको मैं जो कोड दूंगा आपको वो कोड डालना है। जैसे आप उस कोड को डालेंगे फिर आप ना यहाँ से ₹0 अमाउंट पे करके आप इस थीम को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोड डालना होगा। सो आपको क्या कोड डालना है मैं आपको कोड डाल के दिखा देता हूँ। तो आपको देखो यहाँ पर कोड डालना, फिर कर देना अप्लाई कोड पर क्लिक। तो यहाँ पर देखो ₹0 अमाउंट आ गया, फिर आपको ₹0 का अमाउंट पे कर देना। और हाँ, ये जो कोड है ना वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवाइड करके बताने वाला हूँ। सो अभी मैं इस कोड को कर दूंगा हाइड है ना। सो अभी मैं इसकी एक बार आपको फाइल एक बार चेक करके दिखा देता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर जाके है ना। सो अभी मैं चला जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर है ना। सो यहाँ पर देखो मैंने ये फाइल दिखा दी एस्ट्रा एड ऑन प्रो है ना। सो आपको ये वाली फाइल आपको मिलने वाली है ना। सो ये जो फाइल आप में ना प्रोफाइल है ना, इस प्रोफाइल को आप टॉपमेट वाली साइट से आप ले सकते हैं और उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर, आपको प्रो वाली फाइल को एक बार अपलोड करके बताने वाले हैं। सो अभी हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गए। सो आपको करना क्या, आपको चले आना है आप प्लगइन्स में, आपको प्लगइन्स के अंदर जाना है ना कि थीम के अंदर। आपको पहले बता दूं प्लगइन्स के अंदर जाना है। प्लगइन्स के अंदर जाने के बाद आपको कर देना है ऐड प्लगइन्स पर क्लिक। तो जैसे ही मैंने ऐड प्लगइन्स पे गया तो यहाँ पर देखो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है अपलोड प्लगइन्स का, फिर आपको कर देना है अपलोड प्लगइन्स पर क्लिक। फिर नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद देखो एक ऑप्शन दिख रहा है चूज अ फाइल, फिर आपको फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। फिर मैं कर देता हूँ फाइल को सेलेक्ट, फिर करता हूँ चूज अ फाइल पर क्लिक।
मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको सेलेक्ट, फिर करता हूँ ओपन, फिर इसको कर देता हूँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक, है ना। सो मैंने कर दिया इंस्टॉल नाउ पर क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो हमारी एस्ट्रा एडोन प्रो यहाँ पर देखो अपलोड हो गई है ना। सो आपको मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट, है ना। सो यहाँ पर देखो एस्ट्रा प्रो फाइल देखो यहाँ पर मैंने अपलोड कर, यहाँ पर देखो मैंने एस्ट्रा प्रो के आपको सारे फीचर्स आपको अब दिख जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ फिर से एस्ट्रा के अंदर, तो अभी मैं करता हूँ उसको पहले रिफ्रेश, फिर जाता हूँ एस्ट्रा के। तो मैं अभी कर दिया इसको रिफ्रेश, तो अब जाता हूँ एस्ट्रा के अंदर, चले जाता हूँ डैशबोर्ड के अंदर। तो जैसे मैं देखो एस्ट्रा के अंदर गया, सो यहाँ पर देखो प्रो यहाँ पर लिखा आ गया है ना। पहले ना फ्री आ रहा था, अब देखो प्रो आ गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रो फाइल को अब मैंने अपलोड कर दिया। अब है ना एस्ट्रा के प्रो वाले फीचर्स को आप है ना फ्री में यूज कर सकती हो। यहाँ पर लिखा आ गया देखो, हेलो डिजिटल वेलकम टू एस्ट्रा प्रो वर्जन आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर देखो एस्ट्रा प्रो के यहाँ पर देखो सारे यहाँ पर मॉड्यूल आ गए, यहाँ पर इसके सारे फीचर्स आ गए। सो इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट ऑल, जैसे मैं एक्टिवेट ऑल पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली सारे फीचर जो ना अब इनेबल हो जाएंगे, जो अभी देखो मैं करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट ऑल पर क्लिक, तो जैसे मैंने एक्टिवेट ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो सारे जो देखो इनेबल हो गए, ये देखो सारी चीजें। तो आपको देखो यहाँ पर ये सारी चीजें इनेबल नहीं हुई है, बुक कॉमर्स हो गए, इजी डिजिटल डाउनलोड नहीं हुए, और लर्न डेस हो गया, लिफ्टर एलएमएस हो गया, ये इसलिए इनेबल नहीं हुए क्योंकि ना इसका मैंने प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया। जैसे आप ना इनके प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो फिर ना ऑटोमेटिक यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो अभी मैंने इस पे किया था एक्टिवेट ऑल पे, सो यहाँ पर देखो एक तारे जो है इनेबल हो गए। हाँ, सो आप इस तरह से एस्ट्रा प्रो के फीचर्स को आप यूज कर सकते हो। तो अभी मैं चले जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग के अंदर, तो अभी मैं चले जाता हूँ यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर। तो अब मैं करता हूँ इसको स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पर क्लिक, जैसे ही मैंने एक्टिवेट किया तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आया AI वेबसाइट बिल्डर, फिर उसके बाद आया क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। आपको करता है क्लासिक टेम्पलेट पर क्लिक, है ना। सो आपको AI पे नहीं करना, क्योंकि जैसे मैं AI पे करूंगा उसमें यहाँ पर AI के थ्रू यहाँ पर एक वेबसाइट यहाँ पर बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। सो अभी मुझे AI पर नहीं करना है, तो मैं अभी कर देता हूँ बिल्ड विथ टेम्पलेट पर क्लिक। तो अब देखो यहाँ पर पेज बिल्डर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, सो अभी मैं इसको करता हूँ एलिमेंटर पर सेलेक्ट। जैसे मैंने एलिमेंटर पर यहाँ पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो टेम्पलेट लाइब्रेरी यहाँ पर देखो साइन इन होना स्टार्ट हो गया। हाँ, सो इसको अभी होने देते, चलो हो जाने देते इसको, यहाँ पर लोडिंग ले रहा है लाइब्रेरी। सो अब देखो यहाँ पर देखो लाइब्रेरी यहाँ पर देखो प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पर देखो उसके सारे यहाँ पर देखो डेमो आपको दिखने लगे हमें यहाँ पर। मैं इसको करता हूँ मेमोरी डेटा पे क्लिक, है ना। सो यहाँ पर देखो स्टार्ट टेम्पलेट के सारे यहाँ पर देखो डेमो आपको दिखने लगे। आप यहाँ से किसी भी डेमो को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ ये प्रीमियम दिख रहा है, आप प्रीमियम वाले को यूज नहीं कर सकते। आप अगर आपको प्रीमियम वाले को यूज करना है तो फिर आपको ना स्टार्टर टेम्पलेट प्रीमियम वाला प्लगइन आपको फिर खरीदना पड़ेगा, तब जाके आप प्रीमियम वाले डेमो को आप फिर यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको फ्री वाले एक करके दिखाने वाला हूं। अभी देखो आपको इतने सारे फ्री वाले दिख रहे हैं, आप फ्री वाले कोई से भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर कितने सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर देखो ये फिल्टर भी आ गए, यहाँ पर देखो इंडस्ट्री के यहाँ पर देखो। हाँ, सो यहाँ पर मैं अभी कर देता हूँ इसको रियल एस्टेट पे सेलेक्ट। जैसे मैंने रियल एस्टेट पे सेलेक्ट किया उसको यहाँ पर देखो रियल एस्टेट के यहाँ पर सारे डेमो आपको देखो यहाँ पर दिखने लगे हैं। हाँ, सो अभी मैं आपको किसी एक डेमो को यहाँ पर इम्पोर्ट करके दिखा देता हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पर दिख रहा है ना जेनरिक ई कॉमर्स वाला, आपको मैं इस वाले को कर देता हूँ सेलेक्ट, और आपको इसका ना डेमो इम्पोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आप है ना इसके जो डेमो कंटेंट को इम्पोर्ट कर सकते हो फ्री में, है ना। सो आपको देखो फ्री में देखो बहुत सारे आपको यहाँ पर डेमो दिखेंगे, तो आप किसी को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हो। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ इम्पोर्ट जेनरिक ई कॉमर्स वाले को। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो ये आ गया सेलेक्टेड टेम्पलेट आ गया, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया था जेनरिक ई कॉमर्स को। तो यहाँ पर देखो साइट लोगों को यहाँ पर देखो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, सो अभी मैं यहाँ पर अपलोड नहीं करूंगा। जैसे मेरा डेमो कंटेंट इम्पोर्ट हो जाएगा फिर मैं इसको बाद में कस्टमाइज के अंदर यहाँ पर का जो लोगो है मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो फोन स्पेयर का आपको देखो फीचर दिख रहा है, सो आप यहाँ पर फोन को इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखो सारे यहाँ पर फोन यहाँ पर देखो अपडेट हो जाएंगे, आपको देखो टाइप आपको देखो दिख भी रहा है, ये देखो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। जो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर डेमो को इम्पोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखो मैंने ये वाला फोन को कर दिया सेलेक्ट, या अब मैंने यहाँ पर कलर पैलेट को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सो अभी मैं ग्रीन वाला करके दिखाता हूँ, ग्रीन वाला अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी मैं आपको ब्लू वाला करके दिखाता हूँ। सो अभी ब्लू वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो यारा अभी अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ये ग्रीन वाला ही रहने देते हैं, ग्रीन वाला बहुत अच्छा लग रहा है थीम के अकॉर्डिंग। हाँ, सो मैंने यहाँ पर जो दोनों चीजों को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, अब मुझे करना है कंटिन्यू पर क्लिक। तो जैसे ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया सो आपको करना है क्या, अब उसको मैं कर देता हूँ सभी को सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। यहाँ पर देखो इसके कुछ रिकॉर्ड प्लगइन्स भी आ गए, ये सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, तो इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू पर क्लिक, है ना। फिर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक, फिर इसको कर देता हूँ सबमिट बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक। तो यहाँ पर देखो अब देखो हमारे देखो डेमो कंटेंट यहाँ पर देखो इम्पोर्ट होना अब स्टार्ट हो गया, यहाँ पर देखो आपको लाइव स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो 15% हो गया है, 17% हो गया है, यहाँ पर 19%, 21,
22, 23, 25 फिर हो गए यहाँ पर 27 है। सो अब इसको मैं होने देता हूँ। तो यहाँ पर देखो 90% हो गए। अब यहाँ पर लिखा गया फाइनल फिनिशिंग, यहाँ पर लिखा आ गया यहाँ पर। सो देखो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ गया। सो हमारे देखो फाइनली यहाँ पर देखो हमारा डेमो यहाँ पर इम्पोर्ट हो गया है ना। सो अब मुझे करना है इस पर व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक। इसको मैं कर देता हूँ न्यू पेज में ओपन या स्विच पे कर देता हूँ क्लिक। चलो जैसे मैंने व्यू योर साइट पे क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पर अब होना स्टार्ट हो गई थोड़ा सा भी देखो। सो अब देखो हमारे यहाँ पर देखो डेमो यहाँ पर देखो इम्पोर्ट हो गया। सो मैं जैसे मैंने साइट को विजिट किया, सो यहाँ पर देखो सारा आपको देखो लाइव डेमो आपको जब दिखने लगे। सो अब देखो हमारे देखो वेबसाइट भी आपको दिख रही है। यहाँ पर देखो मैंने सब डोमेन पर यहाँ पर का जो है डेमो को यहाँ पर इम्पोर्ट किया था। सो यहाँ पर देखो कितना अच्छा यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर है ना। सो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेक्शन में बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखो सिक्योर पेमेंट, फ्री शिपिंग, डिलीवरी विद एक्सलेंट सर्विसेज, यहाँ पर देखो सारी आपको चीजें आपको दिख रही है ना। तो फुटर भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, टेस्टिमोनियल हो गया, फिर यहाँ पर देखो प्रोडक्ट हो गया, फिर यहाँ पर कैटेगरी हो गई यहाँ पर प्लांट की है ना। फिर ऊपर देखो हेडर भी देखो यहाँ पर होम हो गया, शॉप अबाउट कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ पर देखो सोशल बटन होगा, फिर आपको देखो कार्ड वाला एक फीचर भी आपको दिख रहा है। फिर आपको कर देते ना अभी, तो अभी मैं कर देता हूँ शॉप पर क्लिक। सो यहाँ पर जैसे मैंने शॉप पर क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो ये शॉप के यहाँ पर पेजेस आ गए, ये जो हमारे जितने शॉप के यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो अभी मैं किसी एक प्रोडक्ट के अंदर आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ लाइव कि कैसा दिखने वाला है इसका प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज है ना। सो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज के अंदर आ गए, यहाँ पर जो कितना अच्छा दिखा है यहाँ पर ये है ना। यहाँ पर देखो इस प्रोडक्ट की हेडलाइन आ गई है, प्राइसिंग आ गया, शिपिंग आ गया, यहाँ पर एड टू कार्ट के फीचर्स भी आ गए है ना। फिर यहाँ पर देखो रिलेटेड प्रोडक्ट भी आ गए यहाँ पर। तो अभी मैं इस पर करता हूँ एड टू कार्ट पर क्लिक। जैसे मैंने एड टू कार्ड पर क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो ये कार्ड के अंदर चला गया, यहाँ पर देखो व्यू कार्ड भी ऑप्शन आ रहा है। सो अभी करता हूँ व्यू कार्ड पर क्लिक, आपको देखो व्यू कार्ड के अंदर भी आ गया। फिर आपको देखो आ रहा है प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक। सो यहाँ पर देखो चेकआउट वाला पेजेस भी आ गया, यहाँ पर देखो बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, आप यहाँ से बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। फिर आपको देखो पेमेंट के लिए बोल रहा है यहाँ पर मेरा। तो अभी मैंने यहाँ पर पेमेंट गेटवे नहीं लगाया है। सो जैसे आपने यहाँ पर पेमेंट का गेटवे लगा देंगे, फिर आप है ना यहाँ से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और उसका जो पेमेंट है आप गेटवे के अकॉर्डिंग आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। यहाँ पर देखो कितना अच्छा इसका ये डेमो दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो इसका जो डेमो है यहाँ पर देखो लाइट वेट डेमो है इसका है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप है ना कैसे एस्ट्रा प्रो के डेमो को इम्पोर्ट कर सकते हो, कैसे इस फीचर्स को यूज कर सकते हो। मैंने आपको इसका जो है स्टार्टर टेम्पलेट का डेमो भी आपको इम्पोर्ट करके दिखाया है ना। सो अभी मैं आपको है ना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर भी आपको इसके एक बार फीचर्स आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ फिर से वर्डप्रेस के अंदर। सो अभी चले जाता हूँ यहाँ पर विजिट डैशबोर्ड के अंदर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देखो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर चले जाता हूँ कस्टमाइज के अंदर। सो यहाँ पर देखो कस्टमाइज के फीचर्स के अंदर आ गया। इसमें यहाँ पर ग्लोबल सेटिंग आ गई, हेडर आ गया, पोस्ट टाइप हो गया, जनरल, फुटर, वूकॉमर्स, साइट आइडेंटिटी हो गया, मेन्यूज हो गए, विजेट्स हो गए, होम पेज सेटिंग्स हो गए, यहाँ पर एडिशनल सीएसएस हो गए। तो अभी मैं आपको ग्लोबल सेटिंग के अंदर आपको जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ग्लोबल सेटिंग में टाइपोग्राफी, कलर्स, कंटेनर है, सो आपको ये सारे आपको फीचर्स दिख रहे हैं। हेडर के अंदर आपको हेडर के सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, ये देखो हेडर के सारे फीचर्स आ गए। तो यहाँ पर इसके डिजाइन भी आ जाएंगे। सो हेडर के बाद देखो पोस्ट के टाइप आ गए, यहाँ पर एक बार पोस्ट के टाइप भी दिखा देता हूँ। यहाँ पोस्ट के टाइप देखो सिंगल पेजेस, सर्च, कस्टम पोस्ट टाइप हो गए। वूकॉमर्स फीचर्स भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो वूकॉमर्स के अंदर आ गया माई अकाउंट हो गया, इस प्रोडक्ट इमेजेस, स्टोर नोटिस है ना। सो आपको ये सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे ना इस तरह के फीचर्स है आपको मैंने बता दिए। इस तरह के फीचर्स आपको देखो यहाँ पर दिख भी रहे थे, मैंने आपको लाइव प्रीव्यू आपको करके भी दिखाया था वूकॉमर्स में है ना। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट, इसको भी कर देता हूँ कट। आप मैंने इसको फ्री में एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करके आप इसको देख लेना। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट। सो अब बात करते हैं आपको एस्ट्रा थीम का जो कोड है आपको कैसे मिल सकता है। उसके लिए आपको ना कुछ क्राइटेरिया है, उसको कंप्लीट करना होगा। आपको क्राइटेरिया क्या है, आपको कर देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो कर देना लाइक और कमेंट। जैसे आप मैंने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट का जो स्क्रीनशॉट है ना मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। तो इंस्टाग्राम पर जो अकाउंट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट। आपको इस वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। फिर आपको मैं डिस्काउंट कोड या प्रोमो कोड जो है डीएम करके ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके भी जरूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको कौन सी थीम की फाइल और प्लगइन की फाइल चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो ला पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन और वर्डप्रेस रिलेटेड वीडियो, और मैंने अपने बहुत सारे जो सब्सक्राइबर को है ना प्रीमियम फाइल फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो आपने एक बार मेरे चैनल पर जाके सारी थीम की फाइल पर जो एक्सेस आप फ्री में ले सकते।